प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए आज हम परमेश्वर का आराधना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर, आज का इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, हम आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु आज हमें प्रार्थना करने के लिए सहायता करें पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपके पास आते हैं, हमें ग्रहण करें, तेरी इच्छा हमारे जीवन में आज पूरी करें। कल का दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हम गीत गाएंगे सॉन्ग नंबर 10। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु, तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु। हरदम तुझे मैं भजू, हर घड़ी तेरी याद करू, हरदम तुझे मैं गवजू, हर घड़ी तेरी याद करू। तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु, तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु। भक्तों के स्तुति में विराजान पवित्र परमेश्वर, तू ही है, दिनों का तू है सहारा, शरण स्थान है। भक्तों के स्तुति में विराजमान पवित्र परमेश्वर, तू तू है सहारा, शरण स्थान है तू। भक्तों के स्तुति में विराजमान पवित्र परमेश्वर, तू दिनों का तू है सहारा, शरण स्थान है तू। तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु, तू महान महान सर्वशक्तिमान, तू महान महान ज्ञानी प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं। तरसता आत्मा तेरे लिए, प्यासा हूं तेरे प्रति अर्पित हूं, आत्मा तेरे लिए, मार्ग तू ही है प्रभु, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर ज्ञानी प्रभु है। तरसता
आत्मा तेरे लिए प्यासा हूँ तेरे प्रति अर्पित हूँ आत्मा तेरे लिए मार्ग तू ही है प्रभु तरसता आत्मा तेरे लिए प्यासा हूँ तेरे प्रति अर्पित हूँ आत्मा तेरे लिए मार्ग तू ही है प्रभु तू महान महान सर्वशक्तिमान तू महान महान ज्ञानी प्रभु तू महान महान सर्वशक्तिमान तू महान महान ज्ञानी प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तू महान महान सर्वशक्तिमान तू महान महान ज्ञानी प्रभु तू महान महान सर्वशक्तिमान तू महान महान ज्ञानी प्रभु तू महान महान सर्वशक्तिमान तू महान महान ज्ञानी प्रभु हालेलुया धन्यवाद यीशु तेरी आराधना स्वकम अपने हृदय को प्रभु के सामने चढ़ाएंगे आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें जैसे इस गीत में हम गाया है परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर का पहचान के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है वो सब कुछ कर सकता है वो सब कुछ जानता है उसका ज्ञान के कारण आज पृथ्वी अस्तित्व में है उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ भी सारे वस्तुओं को अपने ज्ञान के कारण उसने बनाया है परमेश्वर सर्वव्यापी है वो स्वर्ग में रहते हुए ही वो सभी जगह सारे यूनिवर्स में भूमंडल पर उसका आंखें चलता है उसका मन चलते रहता है और स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है बाइबल कहती है उसका एक सिंहासन है उसका एक सिंहासन है उसका एक ऑफिस है और उसके चारों तरफ स्वर्ग के दूतों खड़े रहता है ऊंचे स्वर से परमेश्वर का महिमा और आराधना करते हैं प्रधान स्वर्ग दूत रहते हैं और परमेश्वर का संत परमेश्वर के चारों तरफ रहते हैं प्राचीन लोग रहते हैं उजला सिंहासन में तेज रोशनी में परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान रहता है उसका सिंहासन को यूहन्ना ने दर्शन के द्वारा देखा है उसका सिंहासन को एज़ेकियेल ने देखा है उसका सिंहासन को यशायाह नबी ने देखा प्रभु का सिंहासन उज्जवल है बहुत ही ऊंचा है उसको ऊपर कोई सिंहासन दुनिया में नहीं है इसलिए कहता है परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु और सामर्थ्य में सबसे महान है आज धरती में हम सिंहासनों को देखता है मनुष्य का बड़े बड़े डायरेक्टर पोस्ट में मंत्रियां और राजाएं सबका सिंहासन बहुत ऊंचा है परंतु पृथ्वी का सिंहासनों से आकाश का सिंहासनों से बढ़कर तीसरे हेवन में सर्वोच्च सिंहासन में स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन को हम देखते हैं मतलब उसके ऊपर कोई
जगह नहीं है, उसको बोलता है तीसरा हेवन, थर्ड हेवन, सर्वोच्च ऊंचा जगह है, उसके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए सारे सिंहासनों से बढ़कर सिंहासनों का ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है, और उसी ने ये सारे वस्तुओं को, मनुष्य को, सृष्ट वस्तुओं को, सभी बातों को बनाया है। इसलिए उसको ईश्वर परमेश्वर कहता है, ताकि उसी के द्वारा सब कुछ का रचना हुआ है, यहाँ तक शैतान भी उसका सृष्टि है। इसलिए परमेश्वर को आराधना करें, वही महिमा और आराधना और स्तुति का योग्य है। कोई मनुष्य, कोई स्वर्गदूत, कोई पवित्र संत, कोई भी दुष्ट आत्माएं महिमा का योग्य नहीं है। केवल परमेश्वर महिमा और आदर और स्तुति और धन्यवाद का योग्य है। इसको पहचानने के लिए जो कृपा हमें मिला है, यही है सबसे बड़ा ज्ञान। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर को जानते हैं वही ज्ञानी है, और ये संसार परमेश्वर को नहीं जाना है, परंतु वो संसार में बुद्धिमान समझते हैं। और जो संसार का बुद्धि के अनुसार सांसारिक बुद्धियों से परमेश्वर को परखने के लिए जो कोशिश करता है, वो फेल हो जाता है, उसी को कहता है नास्तिक। वो सांसारिक बुद्धियों से परमेश्वर को परखने के लिए कोशिश करता है, वो अपने केमिकल लैब में, फिजिकल लैब में, टेस्ट ट्यूब के अंदर में जैसे देखता है, एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वैसे ही टेस्ट ट्यूब में अंदर परमेश्वर को देखने के लिए चाहते हैं। वो अपने डिस्प्ले में, कंप्यूटर डिस्प्ले में परमेश्वर का अस्तित्व को देखने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु परमेश्वर न केमिकल लैब में मिलते हैं, परमेश्वर न कंप्यूटर डिस्प्ले में मिलते हैं, परंतु परमेश्वर स्वर्ग में होता है, और वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी आत्मा परमेश्वर है। वो सब जगह है, सब में है, सबके अंदर में भी निवास करते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, उस परमेश्वर को ही हम आराधना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने पुत्र के द्वारा वो हम पर प्रकट किया गया है, और यीशु के नाम से हम आज परमेश्वर का स्वर्ग के पास, उसका सिंहासन के पास चले जा सकता है। पुत्र के द्वारा परमेश्वर अपने उपस्थिति को हमारे जीवन में प्रकट किया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र पुत्र के द्वारा हम परमेश्वर को उपस्थिति में प्रवेश करता है। आज सुबह के समय हम प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति आराधना करें संपूर्ण हृदय से। हालेलुया, जीसस धन्यवाद हो, प्रभु तेरी आराधना और स्तुति हो। मेरे पीछे दुराते हुए बोलिए, पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर्वोच्च सिंहासन में, ऊंचे सिंहासन में तू विराजमान है, असीम ज्योति में, ऊंचे और ऊंचे सिंहासन में तू सिंहासन विराजमान है। तेरे चारे तरफ अनेक स्वर्गदूत है, अनेक स्वर्गदूत है तुझे हाथ उठा करके, धन्यवाद और स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। तुम्हारे चारों तरफ, तेरे चारों तरफ प्रभु, प्रभु अनंत आत्मिक जीवियां है, आत्मिक जीवियां है प्रभु। प्राचीन लोग बैठे हैं, प्रभु प्राचीन लोग बैठे हैं तेरे सिंहासन, तेरे सिंहासन प्रभु महिमामय सिंहासन है, महिमामय सिंहासन प्रभु। ऊंचे और ऊंचे सिंहासन में तू विराजमान है, ऊंचे और ऊंचे सिंहासन, तेरे सिंहासन पवित्र है, तेरे सिंहासन पवित्र, धार्मिकता और सच्चाई से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ है। जीवन का सिंहासन है, जीवन का सिंहासन, शांति का सिंहासन है, शांति का सिंहासन, छुटकारा का सिंहासन, छुटकारा का सिंहासन, जीवन का सिंहासन, जीवन का सिंहासन, पवित्र सिंहासन, पवित्र सिंहासन। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों पर आते हैं, हम आपके सिंहासन के पास आते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम आपको देखते हैं, हम आपको देखते विश्वास का आंखों से, विश्वास की आंखों से आप परमेश्वर के दहने खड़े हैं, आप परमेश्वर के दहने खड़े हैं, दहने सिंहासन में आप विराजमान हैं, दहने सिंहासन में आप विराजमान, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तू हमारे लिए मारा गया, तू हमारे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, क्रूस पर बलिदान हुआ, तेरे खोड़े खाने से, तेरे खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हम चंगे हुए, और तू मेरे पापों को क्षमा किया, तू मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे शुद्ध किया है, मुझे शुद्ध किया, आज मुझे पवित्र आत्मा दिया, मुझे पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, तो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया, मुझे बचाया है, मुझे बचाया, अनंत मृत्यु से, अनंत मृत्यु, नरक से, नरक से, शैतान से, शैतान से, पापों से, पापों से बचाने के लिए धन्यवाद, बचाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, हालेलुया। हम अपने हृदय से, संपूर्ण हृदय से हम धन्यवाद दे ऊंचे आवाज में, हालेलुया, 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 परमेश्वर धन्यवाद, तेरी स्तुति आराधना हो, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति आराधना, यीशु प्रभु धन्यवाद, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य में तो सबसे महान परमेश्वर है, तेरे सिवाय एक और परमेश्वर नहीं है, तू ही जीवित परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाले और उसमें सब कुछ है उसको बनाने वाले इब्राहिम, इसहाक और याकूब का पिता परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है, सच्चा और जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय हम आपका आराधना करते हैं और संपूर्ण हृदय से आपको प्यार करते हैं और हम कहते हैं तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा राजा है, तू मेरा राजा, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु, यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी आराधना, पवित्र आत्मा आपके स्तुति हो, पवित्र आत्मा आपके स्तुति, हालेलुया, 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 जीसस, जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज का दिन के लिए और प्रभु के वस्ती में हम सबको परमेश्वर ने कृपा किया उसको वस्ती में एकत्रित होकर के उसकी आराधना करने के लिए। आज हम प्रभु का वचनों को सुनेंगे, पिछले दिनों में प्रभु का ऊंचा वचनों को हम समझने के लिए कोशिश किया है, उसका वचन हमारे लिए आत्मा का तलवार है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसको उपयोग करते हैं, तो आज फिर से हम परमेश्वर का वचन के और हम ध्यान देंगे, परमेश्वर कितना महान है, वो हमें प्यार करता है, प्रभु का वचन हमें सच्चाई पर ले चलता है और हमें जिंदा रखता है, परमेश्वर का वचन हमारा जीवन का साथी बनना है, 24 आवर्स बाइबल का वचनों को मेडिटेट करने के लिए कोशिश कीजिए, बाइबल का ऐप्स मिल जाएगा उसको डाउनलोड कीजिए और बाइबल के ऐप्स के द्वारा ऑडियो बाइबल मिलेगा अपने अपने भाषा में, उसको डाउनलोड करके आप हेडफोन लगा करके सोने के समय फ्री टाइम में अननेसेसरी ऐप में नहीं चले जाते हुए गाना
गाना सुनने का शौक बंद कीजिए, ज़्यादा गाना सुनने से कुछ होता नहीं है, उससे भी अशुद्धि आता है जीवन में। और ज़रूरत के लिए, वर्शिप के लिए गाना को सुनो, और उससे ज़्यादा गाना सुनने का शौक कई लोगों को होता है, वो भी आपको बंधन में ले जाएगा। और बाइबल पढ़ने का शौक रखो, वो कभी बंधन में नहीं ले जाएगा। इसलिए बाइबल 24 आवर्स किसी न किसी रीत से, अलग अलग भाषा से आप सुनने के लिए कोशिश करो। बाइबल सुनने, बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल सुनने के लिए आपके द्वारा आप सुन सकते हैं, जो बाइबल रीड करता है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। धीरे धीरे परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में चले जाएगा और हमें प्रभु परिवर्तित करते रहेगा। हालेलुया। तो आज हम सच्चाई के सामने आने के लिए, कल परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई कर रहा था, हम सत्य पर खड़े हो जाएं और प्रभु हमें स्वतंत्र करेंगे सत्य से। और हम सत्य से भागने के लिए नहीं कोशिश करें, क्योंकि कल हम लोग निकोडेमस के विषय में जस्ट देख करके फिर हम चला गया था दूसरे सब्जेक्ट में, पवित्र आत्मा अगुवाई करने से। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 उसका पहले वाक्य से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना का अध्याय 3 उसका पहले वाक्य से हम लोग पढ़ते हैं। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यस, हालेलुया। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उसे कहा, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक विशेष बात हम देख रहे हैं। कल हमने सवेरे इसको बारे में, इसके बारे में बोला था कि प्रभु परमेश्वर को खोजने के लिए हिम्मत चाहिए। और जब भी परमेश्वर को खोजा है, उसने हिम्मत के द्वारा खोजा है। और हम उसको, क्योंकि सत्य जिसका अंदर में आता है वो ऊंची आवाज़ में बोलने वाला होता है, धीरे धीरे बात करते हैं, उसके अंदर में विश्वास का कमी है और सच्चाई को वो ग्रहण नहीं करते हैं। और सिर के ऊपर चादर डाल करके परमेश्वर को खोजना बंद करके, यदि परमेश्वर सच्चा है और जीवित है, हमें समझ में आते हैं, तो हमें हिम्मत के साथ उसका गवाही देने के लिए भी हमें हिम्मत चाहिए, तभी हमारे विश्वास का घोषणा पूरा होता है। कई लोग अंदर से विश्वास करता है, परंतु वो कभी किसी को नहीं बताने चाहते हैं, दिखाने चाहते हैं कि हम प्रभु सच्चा और जीवित है और उसके पीछे मैं चलता हूँ। और ये डर के कारण होते हैं या फिर शर्मिंदा के, नहीं मालूम है किस कारण से। ये निकोदेमुस के विषय में हम जब देखते हैं, तो प्रभु के पास उसने आया रात के समय में। ये एक फरीसी है और एक फरीसी है और पंडित भी है, बाइबल का अच्छा नॉलेज वाला है, इसलिए वो यहूदियों का एक अधिकारी भी था। उसने रात को यीशु के पास आकर के कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है। ये रब्बी करके रात में इसने यीशु के पास आया। क्यों दिन में नहीं आया? दिन में आने से लोग देखेगा और उसको अपने समाज से बाहर निकालेगा, इसलिए उसने रात में आया।
क्योंकि इन उसने आकर रात में आकर के क्या कर रहे, क्योंकि इन चिन्हों को जो तूने दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ इसने इनके पास आया, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि ये जो प्रभु यीशु है ये परमेश्वर की ओर से ही आया हुआ है, और इन्होंने जो चिन्ह और चमत्कार करता है ऐसा कोई नहीं किया हुआ है आज तक जगत में, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है परमेश्वर की ओर से है। इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर में है, फिर भी वो रात में ही आया है। और उसने कहा, यीशु ने उत्तर उस इसको देख करके, उसने यीशु मसीह का तारीफ कर रहा था, तारीफ कर रहा है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तुम चिन्हों को दिखाता है वैसे कोई दिखाए नहीं है, तुम सचमुच परमेश्वर का ओर से है। लेकिन यीशु मसीह का इंटेंशन, उसके प्रति जो आंसर उसने दिया, उस पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत लोग यीशु मसीह के पास आकर के बहुत बड़ा बातें बोला हुआ है, लेकिन जब सुनने के बाद यीशु मसीह जो आंसर देता है, इसी से पता चलेगा यीशु मसीह उस व्यक्ति के इस आंसर से संतुष्ट है या नहीं है। पढ़िए, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझे से सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ओके, उसने कहा एक भौतिक बात, उसने यही कहा कि चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तो परमेश्वर का ओर से है, तेरे जैसा कोई चिन्ह चमत्कार अभी तक कोई दिखाए नहीं है। और इतना हाईलाइट कर रहा है यीशु मसीह को, फिर भी यीशु ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया है कि मनुष्य के मुंह से प्रशंसा निकलते हैं और बातें निकलते हैं, परमेश्वर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम सब अपने काम निकालने के लिए परमेश्वर के पीछे भागते हैं बहुत लोग, और हमारे मुंह से झूठ निकलते हैं, इवन ईश्वर के पास भी हम झूठ बोलते हैं, केवल मनुष्य के सामने नहीं। कई बार बाइबल में हम देखते हैं कि झूठ नहीं बोलो करके बाइबल सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं, और झूठ हम मनुष्यों से भी बोल सकता है और परमेश्वर से भी बोल सकता है, और परमेश्वर के सामने भी मनुष्य इतने अनगिनत झूठ बोलते हैं। वो विश्वासी का काम है, विश्वासी लोग प्रभु के सामने झूठ बोलते हैं, तो झूठ वो समझते हैं कि परमेश्वर इतना कहाँ से जानेंगे, परमेश्वर तुम्हारे श्वास लेने की गिनती भी जानते हैं, तो परमेश्वर से तुम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। तो हमारे स्वभाव है झूठ बोलना है, क्योंकि हम शैतान से उत्पन्न हुआ है कई लोग, इसलिए हमारे अंदर में झूठ का वासना होता है बोलने का, इसलिए पवित्र आत्मा से उतना ही हम साफ होता है तभी हम झूठ बोलना बंद करते हैं। हमारे एक आदत हो जाता है झूठ बोलना, हम सच्चाई नहीं बोलते हैं, पूरा से नहीं बोलते हैं, कम से कम 1% आखिरी में हम झूठ के लिए जगा देगा, पूरा पूरा हम कुछ नहीं बोलते हैं किसी से। इसी तरह हम परमेश्वर से भी बात करते हैं, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा का ताकत आ जाता है, जो रियल में परमेश्वर का ओर से है, उसका सबसे बड़ा क्वालिटी यही होगा, वो झूठ बोलेगा नहीं। हालेलुया, समझ में आया? जिसका सबसे बड़ा क्वालिटी, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, वो क्या है? उसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार अध्याय 20 में हम लोग आते हैं, और 20:21 से हम पढ़ेंगे। तब वे जो यहूदा में हो,
लूका 20 उसका 21 वाक्य। उन्होंने ये कहकर उससे प्रश्न किया, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक बोलता है, वह सही शिक्षा देता है और तू किसी का पक्ष नहीं लेता, पर वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। हालेलुया। उसका पैरेलल में और भी वचन है बाइबल में, है ना, इसी घटना को दूसरी जगह भी बताया हुआ है। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पास ये शास्त्री लोग आकर के, परिसी लोग आकर के उससे बहस करने के समय में भी उन्होंने कहा कि प्रभु तू ठीक बोलता है। ठीक बोलता है मीन्स दूसरी जगह ये लिखा हुआ, तू सत्य ही बोलता है, तू ठीक बोलता है, वह सही शिक्षा देता है और तू किसी का पक्ष नहीं लेता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। ये एक क्वालिटी है कि जो परमेश्वर का पीछा करता है उसका सबसे बड़ा पहचान है वो ठीक से बात करना, सत्य बोलना। कोई नहीं कहेगा हम सत्य नहीं बोलते, लेकिन सत्य कितने परसेंटेज आप बोलते हैं इसमें मतलब होता है। आप पूरा पूरा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं तो इसलिए आपको पवित्र आत्मा का शक्ति मिलता नहीं है। सत्य के लिए अपने जीवन को उंडेलना होता है। यहाँ पर प्रभु कहता है न, प्रभु के बारे में क्या बोल रहा है, वो ठीक बोलता है और सही शिक्षा देता है और किसी का पक्षपात नहीं करता। दूसरी जगह बोलता है तो किसी से डरता नहीं है, तो मुंह देकर के बात नहीं करता है और तू सत्य को बोलता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जिस व्यक्ति का जन्म सचमुच यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में होता है, Matthew 22:16 को भी हम लोग पढ़ेंगे। Matthew 22:16 आधा, उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी के प्रभाव में नहीं आता, क्योंकि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। 22:16 Matthew 22:16 पढ़ेंगे मेरे पीछे, बोले अथा उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा हे गुरु हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी के प्रभाव में नहीं आता क्योंकि तू किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। कितने झूठे हैं लोग, विश्वासियों के विषय में मैं बोल रहा हूँ, अभी अविश्वासियों की कोई चर्चा नहीं है। अविश्वासी के विषय में बोलने का क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही कदम है। विश्वासी का मुख्य विषय में आज विशेष करके बात हो रहा है कि विश्वासी कितने झूठे होते हैं और कितने झूठ बोलते हैं। बाजार में निकलते हैं, स्कूल में निकलते हैं, कॉलेज में निकलते हैं, रास्ता में निकलते हैं, दुकान में, मॉल में, सफ़र में, अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से और भाई बहन से, माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से और पड़ोसी से, जहाँ से भी, इतने ज़्यादा झूठ बोलते रहता है। विश्वासी है परंतु हम झूठे बोलते रहता है, झूठ 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 झूठ। आपको मालूम है ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। और ये व्यक्ति उपवासी है, बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं। तुमको जीवन में कभी भी एक बार भी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो अन्य भाषा बोलता होगा उससे मतलब नहीं, अन्य भाषा तो हम पहले से बोला हुआ, ये कॉपी पेस्ट होता है, उस सब से कोई मतलब नहीं है। आज तो ऐसे ही बोल देते, तो झूठ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम फल से वृक्ष को जानोगे, जैसे फल है वैसे वृक्ष पेड़ भी होता है। ये फल मतलब यही सब है,
मुंह खोलते हैं, चाहे वो टेस्टमनी हो या व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ हो, कौन बोलता है? नहीं बोलता है, बोलता है लेकिन फुल्ली, पूरा से पूरा नहीं बोलते हैं, थोड़ा अंदर ही दबा देते हैं। तो इसी को बोलता है झूठ। झूठ मीन्स सत्य को ढक देना, वही है झूठ। ये नहीं है कि आपने मान लीजिए एक बात बोलना है, ठीक है, एक बात बोलना है, आधा बोल दिया तो आधा बोल दिया, तो आप पूछेंगे आधा बोल दिया हमने, पूरा नहीं बोला है, ये झूठ कैसे होगा? समझ में आ रहा? थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, हमने आधा बोला, आधा नहीं बोला, तो हम झूठ नहीं ना बोला है, क्योंकि हम आधा ही बोला, जो बोला है वो सही था। तो हम समझते हैं हमारे छोटा दिमाग में कि हम झूठ तो नहीं बोला है, जो बोला है वो सही है, लेकिन पूरा नहीं बोला है। समझ में आ रहा है? इसी को भी झूठ ही कहता है। जो चीज तुमको बोलना था तुमने उसको ढक दिया, उसको तूने काट के एडिट कर दिया, और जिसको बोलना था उसने तुम बोल नहीं रहा है किसी भी कारण से हो, और वो बात को कहता है झूठ। नहीं बोल के, पूरा नहीं बोल के बंद करते उसको भी झूठ ही बोलते हैं। हालेलुया। आप बोलना जरूरी नहीं है, आप बोलने वाला चीज को अंदर में रख करके आधा बोलने से भी तुम झूठा है। समझ में आ रहा है? इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए क्या इस साल में 2024 में? ड्रामागिरी सब बंद करके सच्चाई पर आ जाओ, और झूठ सही में बोल छोड़ दो, और सत्य को पूरा से पूरा डिलीवर करने के लिए कोशिश करो, और अपने हृदय से ठान लो कि मैं इस साल में सत्य को ही बोलूँगा। ये सबसे बड़ा अच्छा डिसीशन होगा। बाइबल में कहती है कि भजन संहिता में एक जगह हम पढ़ते हैं, कई जगह है, लेकिन भजन संहिता में 119 में दाऊद ने परमेश्वर से रो के बोलता है, 119 साम्स 119 वर्स 43 मेरे मुंह से सत्य का वचन कदापि ना चीन, क्योंकि मैं तेरे नियमों पर आशा रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरे मुंह से सत्य का वचन कदापि ना चीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य का वचन कदापि मुझसे ना छीन। और दूसरा 28 और 29 वचन को भी पढ़ेंगे। दुख के कारण मेरा प्राण गिरा जाता है, अपने वचन के द्वारा मुझे संभाल, झूठ का मार्ग मुझसे दूर कर, और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। देख रहे हैं, झूठ का मार्ग मुझसे, बोलिए मेरे साथ में बोलिए, झूठ का मार्ग, झूठ का मार्ग मुझसे दूर कर, मुझसे दूर कर, और करुणा करके, और करुणा करके अपनी व्यवस्था, अपनी व्यवस्था मुझे दे, मुझे दे। 30 वचन, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, मैंने तेरे नियम अपने सामने रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ में बोले, मैंने सच्चाई का मार्ग, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, चुन लिया है, मैंने तेरे नियम, मैंने तेरे नियम अपने सामने रखे हैं, अपने सामने रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैं प्रभु झूठ के मार्ग मुझसे दूर कर। आप जानते हैं कि आप 1000 दिन को उपवास प्रार्थना करने से बड़ा बात आज सीख रहे हैं। आप हर फ्राइडे में उपवास प्रार्थना करते हैं, कोई सैटरडे में है, कोई संडे में सुबेरे बिना खा करके चर्च पहुंच जाते हैं। उससे बड़ा 100 गुना बड़ा बात सीख रहा है कि झूठ के मार्ग अपने जीवन से अलग कर दे।
झूठ के मार्ग से आप अलग हो जाएं और परमेश्वर से विनती करें, प्रभु झूठ बोलने से मुझे बचाइए, झूठ के मार्ग से मुझे बचाइए, झूठ का सोच विचार से मुझे बचाइए। हालेलुया। अरे पैसा कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ऐसे करके कितने विश्वासी बर्बाद है। बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर का पवित्र जल को कलंग किया हुआ है, काम के क्षेत्र में, नौकरी में, बिजनेस में, मालिक के नीचे काम कर रहे हो, बाजार में निकलते हैं, कहीं भी ना कहीं जगह कम से कम 10 बार एक दिन झूठ बोलते हैं। तुम झूठ बोलने सच्चाई बोलने से क्या तुम्हारे गर्दन काट देगा क्या कोई? तो काटने दे। तुम किसी का ये बात देखो कि कई लोग सच्चाई चर्च में बोलते हैं, बहुत लोग पास्टर जी के सामने, वो भी तो आधा मैक्सिमम, मेरे सामने तो इतने झूठे मिलता है हमको शुरू से ही। और कहीं भी हो, आप पवित्र लोगों के साथ पवित्रता का जीवन दिखा करके बाहर में जब निकलते हैं तो अशुद्ध लोगों के बीच में अशुद्धों की तरह जीना परमेश्वर लाइसेंस नहीं दिया है। यीशु मसीह ने कहा तो संसार का ज्योति है और पृथ्वी का नमक है, और तुम उन लोगों की तरह तुम भी झूठ बोलते हो तो तुमको मसीहा छुड़ाने से फायदा क्या हुआ? तुम चुपके से यीशु मसीह का आशीष पाने के लिए चाहते हो ना, चुपके से है, चुपके से यीशु मसीह का आशीष पाने के लिए चाहते हो? ऐसा होता नहीं है, आपको स्वतंत्र होना है। आप अपने जीवन से स्वतंत्र, आप छुपाना, अपने आप को छुपाना। ये निकोदमस ने क्या परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा था? विश्वास कर रहा था, परंतु वो रात में आया। 31 तारीख को हमने सबको बताया था, आप लोगों को टेस्टिमनी है तो दे दीजिए। टेस्टिमनी किसके सामने होना चाहिए? परमेश्वर के दास के सामने होना है कि परमेश्वर के सामने होना है? टेस्टिमनी बोलिए, टेस्टिमनी, गवाही, गवाही परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के भक्तों के सामने होना है, और परमेश्वर के भक्तों के सामने होना है। हालेलुया। ये कभी भी परमेश्वर को गुप्त में चुपके से व्हाट्सएप भेजते हैं कुछ बहन लोग, कुछ भाई लोग, और वो प्रभु के सामने नहीं बोलेगा, उसके सभा में भी नहीं बोलेगा। वो व्हाट्सएप भेज करके अपने काम निपटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर को धोखा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और गुप्त में वो व्हाट्सएप लिखेगा और पूरा एकदम गवाही दिखाते रहते हैं। और परमेश्वर का दास को तृप्त करने से आपको क्या मिलेगा? आपको जो भी चंगाई मिला है, आशीष मिला है, क्या परमेश्वर अपने घर से लेके आए? परमेश्वर का दास अपने घर से लेके आए क्या? उनको सुना रहे? तो उनको सुनाने से आपको कुछ फायदा नहीं है, आपको सुनाना चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर का भक्तों के सामने गवाही होना है, मीन्स चर्च में या पब्लिक प्लेस में लोग, भक्त जहाँ पर एकत्रित होते हैं उसके सामने आपका गवाही जब तक नहीं होता है, वो गवाही गवाही ही नहीं है। तुम अपने जो समाज में चलता ना चालाकी, वही कर रहा है। देखो इधर भजन संहिता 116 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 116 उसका 12 से हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, मैं उनके बदले में उसे क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा,
मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें उसकी सारी प्रजा के सामने अवश्य पूरी करूंगा। हालेलुया हालेलुया। देख रहा है मेरे पीछे, बोले यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं। सुनिए, व्हाट्सएप बेच करके परमेश्वर का दास को कुछ करवाएंगे नहीं बोल रहे। व्हाट्सएप आज एक विश्वासियों के लिए एक तरफ से एक श्राप है। वो पब्लिकली परमेश्वर का घोषणा नहीं करते हैं। तुम लोग व्हाट्सएप बेच बेच करके परमेश्वर के दासों को मूर्ख बनाने के लिए कोशिश करते हैं। कल हमने तुम लोग एक शब्द धन्यवाद दिया है क्या, ऐसे कल का सभा में जैसे पूछा है, तो जिसके पास सही नॉलेज नहीं है, बातों को परखने का ज्ञान नहीं, वो क्या समझा है। तो हम बोल रहे हैं कि मेरे को धन्यवाद देने के लिए बोला कल। हम हमारे साथ इतने दिन से आप समाचार सुनते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि पास्टर जी का स्वभाव कैसे होता है। मैं अपने लिए धन्यवाद मांगता नहीं है कभी, धन्यवाद देने वालों को हम निकालते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बोल रहा था। वो ऐसे नहीं, उसके लिए समय निर्धारित करता है, उस समय होना चाहिए। मेरे लिए धन्यवाद नहीं, मुझे धन्यवाद दे करके समय बर्बाद मत कीजिए। हम आपके एक व्यक्ति का भी धन्यवाद पर ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। आप कितना भी हमको धन्यवाद दो, हम उस पर ध्यान नहीं देते, ना खुश रहता है। हमको धन्यवाद नहीं देना, परमेश्वर को देना है। आमीन। है ना, महिमा उसको है, हम उसका सेवक होता है, हमारा कोई धन्यवाद का जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बोल रहे हैं। आमीन। हम कल इतना बोलने के समय में चुपके से व्हाट्सएप आना शुरू कर दिया है, चुपके से व्हाट्सएप आना शुरू कर दिया था। मेरे को हीलिंग प्रेयर में चंगाई मिला, बड़े बड़े चंगाई मिला। हीलिंग प्रार्थना फ्राइडेज में इधर होता है, और मैंने हमेशा बोला कि आप लोगों में से बहुत लोगों को हीलिंग तो मिल रहे हैं, लेकिन कोई गवाही नहीं दे रहे हैं। तो हम इतने बोलने के कारण कोई श्राप आ जाएगा क्या, डर के कारण लोग बोलना लिखना शुरू कर दिए, मुझे चंगाई मिला था, हम लेकिन बोला नहीं था। अच्छा, तुमको चंगाई मिला है तो बोला नहीं है, तो हमारे सामने गलती किया कि परमेश्वर के सामने? हमको बोलने से क्या है, क्या हमने चंगाई किया है? नहीं, परमेश्वर किया है। तो आपने गलती किया तो प्रभु के दास के सामने उसका गलती को कबूल करने से फ़ायदा नहीं होता है, परंतु परमेश्वर से बोलना है, और परमेश्वर के सामने बोल करके आगे ऐसे नहीं करने के लिए कोशिश करना है। गलतियां हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आगे ऐसे नहीं होना है। सब कुछ के लिए एक समय होता है। 31st का गवाही आप 1 तारीख को नहीं दे सकते हैं, 1 तारीख का समर्पण आप 10 तारीख को नहीं दे सकते हैं। देर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग। सब कुछ के लिए समय होता है, समय पर जब करते हैं उसका महिमा है। इधर बिलाइटेड बर्थडे जैसे हमने बोला था, उसी तरह बिलाइटेड धन्यवाद नहीं होते हैं, है ना। बर्थडे के एक दिन बाद हम बिलाइटेड बर्थडे लिख करके तोहफा जैसे देता है, वैसे बिलाइटेड थैंक्स गिविंग, बिलाइटेड धन्यवाद प्रभु जी को नहीं दे सकते हैं। समझिए, तुमको प्रभु यीशु मसीह ने आशीष किया तो बिलाइटेड आशीष दिया था क्या? तो फिर तुम क्यों बिलाइटेड धन्यवाद दे रहे हैं? डेट पार हो गया, तुमको उसने समय पर आशीष किया, तुम उसको लेट से धन्यवाद दे रहा, वो भी कोई परमेश्वर का दास लाठी मारने से, नहीं तो तुम नहीं देते हैं, इसलिए तुम आशीषित नहीं होता है। धोखा गवाही का मतलब समझ लीजिएगा, गवाही गवाही बोलते हैं। गवाही का मतलब एक होता है परमेश्वर के सामने हो रहा है, हम जब बोलते हैं परमेश्वर सुन रहे हैं पहले बार, दूसरा परमेश्वर के भक्तों को भी सुनाना होना है। हम क्या करते हैं, ईश्वर का दास परमेश्वर का दास प्रार्थना के तो उसी को कुछ करवाने के चक्कर में रहता है, इसलिए तुम लोग को अगले प्रार्थना पूरा नहीं होता है। हालेलुया। आज हम ध्यान दें, हम परमेश्वर का, हमारे अंदर में जो ज्योति है वही अंधकार है, तो अंधकार कैसे घोर अंधकार है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 उसका हम लोग पढ़ेंगे 22 से
23 से पढ़े। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरी समस्त देह अंधकारमय होगी, इसलिए जो ज्योति तुझ में है यदि वही अंधकार है तो ये अंधकार कैसा घोर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस रिलेटेड और भी वचन है जो हम एक दिया जला करके कोटरी के नीचे रखते हैं, है ना, उसका पलंग के नीचे रखते हैं, कैसे लोग उससे रोशनी पाओगे, है ना। उसको हम लोग पढ़ते हैं 5 अध्याय का मत्ती 5 उसका 14 को पढ़ेंगे। तू जगत की ज्योति हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। यस, हालेलुया। हम हमारे ज्योति, हमारे अंदर में जो ज्योति है उनमें से सबसे बड़ी बात क्या है, सच्चाई। हमारे ज्योति परमेश्वर के महिमा के लिए लोगों के सामने, जैसे दीपक जला करके कोई टोकरी के नीचे नहीं रखता है परंतु दीवट पर रखते हैं, बल्ब चौकी के नीचे नहीं जलाता है, ऊपर जलाता है छत पर, रूफ पर या दीवार पर, ताकि सबको उसके अंदर आने वालों को प्रकाश मिले। वैसे ही होना है जिसके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आपका जीवन से लोगों को रोशनी मिलना है तो आप अपने आप को ऐसे जगह पर रखें ताकि आपका जीवन से लोग रोशनी को पाए और परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। इसलिए तो आपको बुलाया है। अब अपने आप को छिपाने से आपका रोशनी कैसे आएगा बाहर। इसलिए प्रिय भाई बहन, सही टीचिंग्स को पाव प्राप्त कीजिए। गवाही देना या परमेश्वर को महिमा के लिए हम खड़े होना, सच्चाई बोलना, किसी मनुष्य को तृप्त करने के लिए नहीं, स्वयं आपका जीवन को परमेश्वर का अनुभव में आगे बढ़ने के लिए, दूसरा परमेश्वर आपको और आशीष करने के लिए ये जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हर झूठे बातों को दूर करके परमेश्वर का महिमा के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमें सहायता करें। तेरी इच्छा पूरी हो जा, पवित्र आत्मा, जहाँ तू चाह ले चल मुझे, पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। मेरे पीछे दुराए पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन को आशीष करें, जिन वचनों को आज मुझे दिया है, इन वचनों के द्वारा सचमुच प्रभु मुझे पवित्र करे, सत्य से मुझे बदल दीजिए, सत्य से मेरे जीव को बदल दीजिए, मेरे हृदय को बदल दीजिए, सच्चाई को बोलने में पूर्णता मेरे जीवन में दीजिए। अथा सच
आधा सच और आधा झूठ बोलने का और आधा झूठ बोलने का या आधा बोल करके या आधा बोलकर आधा को छुपाना आधा को छुपाना ये भी झूठ होता है ये भी झूठ होता है इस तरह का कपट वाली हृदय मेरे जीवन से हटाइए मेरे जीवन से हटाइए मुझे बिना कपट व्यवहार दीजिए मेरे हृदय को सारी कपटता से मुझे मुक्ति दीजिए सच्चाई बोलने के लिए मुझ पर दया करें प्रभु परमेश्वर आज धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवन को बदल दीजिए मेरे शरीर आत्मा मन को प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कीजिए मेरे शरीर का प्रत्येक अंगों को मन आंखों को कान जीभ और हाथों को प्रभु पैर को शरीर का प्रत्येक अंग शरीर का प्रत्येक जो परमेश्वर को महिमा देने के लिए बनाया हुआ है परंतु प्रभु आपका वचन छोड़ करके मैंने अपने शरीर के द्वारा पापों को किया है मुझे क्षमा करें मुझे पवित्र कीजिए यीशु मसीह के लहू से मुझे शुद्ध कीजिए मेरे मन सोच विचार और भावनाओं में अंधकरण में जितने अपवित्रताएं प्रभु आज हैं उन सारे अशुद्ध बातों को मेरे जीवन से अलग कीजिए प्रभु मुझे पवित्र कीजिए इस अशुद्धि भरे सोच विचारों से मुझे मुक्ति दीजिए शैतान के काम मेरे जीवन से दूर हो जाए पवित्र आत्मा मेरे दिमाग को शुद्ध करे दिमाग को शुद्ध कीजिए सही सोच दीजिए महिमा करे आपका जीवन आपका मेरे जीवन में महिमा करे मेरे जीवन में परमेश्वर धन्यवाद प्रार्थना सुन के उत्तर देने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे उसके फल के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का नौ फल से मुझे भर दीजिए प्रेम से भर दीजिए आनंद से भर दीजिए शांति से भर दीजिए दयालुता से भर दीजिए धीरज से भर दीजिए भलाई से भर दीजिए विश्वस्तता से नम्रता से एवं संयम से मुझे भर दीजिए पवित्र आत्मा आज मुझे अगुवाई करें हम परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर अपने संपूर्ण परिवार को आज तो आशीष करें पापा मम्मी भाई बहनों को पति और पति को पत्नी को बच्चों को प्रभु आशीष करें इनके जीवनों को बदल दीजिए इनका आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह काम के क्षेत्र को बिजनेस और पढ़ाई को आशीष करें घर के अंदर में आज जो कुछ भी हम करेंगे आपका कृपा रहे दुष्टात्माओं से बचाइए जो भी खाना पीना खाएंगे पिएंगे और मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे प्रभु उसे आशीष करें आज हमारा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करें आज मेरा आर्थिक आवश्यकता बीमारियों को चंगा करें शैतान की सारी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से मेरे रास्ता से मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और यीशु के लहू से हमें प्रोटेक्ट करे धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे बने रहिए पिता परमेश्वर इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हम मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भाई बहन आपके उपस्थिति में है प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को आशीष करें आज का पूरा दिन आप उसके साथ में चले परिवार के साथ रहे आवश्यकताओं को पूरा करें दुष्ट आत्माओं से बचाइए यीशु आपका लहू से आप मोहर मार करके स्वर्गदूतों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को संभालें प्रभु यीशु आज जो बर्थडे
मैरी जानवर से जिनका है उन लोगों को विशेष पवित्रता का वरदान और ताकत देने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन हालेलुया। परमेश्वर आज का दिन आपके साथ में जरूर चलेगा। प्रभु का वचन पर बने रहने के लिए कोशिश करें। पवित्र आत्मा निश्चय आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। आमेन।